जय हिंद नमस्कार दोस्तों मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर दोस्तों स्पेशली आज का जो वीडियो है जो आपके पांच किलोमीटर की रनिंग होने वाली है लड़कों के लिए स्पेशली 24 मिनट का आपको समय रहेगा एस एस की जो ये रनिंग है आप सभी को पता है कि 24 तारीख यानी आने वाली चौबीस तारीख से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे चौबीस चार से जो कि लगभग आठ तक चलेंगे ठीक है तो ये जो आपका फिजिकल का समय इसमें जो पांच किलोमीटर का रनिंग टेस्ट है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में ये वीडियो है काफी बच्चे जैसे जहां से बिलोंग करते हैं पुराने बच्चों से थोड़ी बहुत राय लेते हैं कि रनिंग टेस्ट कैसे होता है तो काफी बच्चे कमेंट करते ग्राउंड में होगा या किस हिसाब से होगा तो मैं आपको बता दूं जैसे इस बार क्या किया है? कि सेंटर बहुत ज्यादा दे दिए कल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि बहुत सारे सेंटर दे दिए किसके लिए रनिंग के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए तो सबसे पहले तो आपका जो कार्रवाई होगी वो सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट भी हो सकता है और हो सकता है रनिंग के बाद में भी हाइट मेजरमेंट हो वो पहले या बाद में हो सकता है उसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन अगर रनिंग होगी तो उसके बारे में बता रहा हूं जैसे अब सेंटर बहुत ज्यादा दे दिए मान लीजिए कोई एस का सेंटर है कोई आई का सेंटर या कोई बी एस जिस सेंटर के पास में जिस प्रकार की सहूलियत तो रहती है ना उसी प्रकार से पांच किलोमीटर रनिंग टेस्ट होता है समझ में बात को कई जगह ऐसा भी होता है कि लगातार पांच किलोमीटर लॉन्ग रनिंग होती है यानी सीधे रोड पर लंबा छोड़ देते हैं और लास्ट पांच किलोमीटर पर क्लोज दिया हुआ रहता है ठीक है कुछ ऐसी जगह होते हैं ग्राउंड जैसे अभी जोधपुर में यहां ऐसे होता है कि ढाई किलोमीटर पर आपको एक टोकन दिया जाता है ठीक है और उस टोकन के हिसाब से रनिंग होती है कुछ सेंटरों पर जैसे मैं आपको बता दूं जहां पर जैसे दिल्ली जैसे सेंटर है इस प्रकार क्या बाहर जगह कम होती है तो जो ग्राउंड के अंदर जगह होती है यानी कैंप के अंदर रोड होती है उस पर दौड़ाते हैं तो उस पर सत्रह मीटर यानी लगभग डेढ़ किलोमीटर के बाद में एक टोकन दिया जाता है और वहां पर क्लोज करवाते हैं तो हर एक सेंटर की अपनी एक सहूलियत के हिसाब से वहां की रनिंग होगी जो मान लीजिए चलिए जिस ग्रुप सेंटर में या जो भी आपका सेंटर आया है वहां पर उनके पास में क्या सहूलियत है रोड रनिंग होगी या ग्राउंड रनिंग तो ये तो मैं आपको बता दू रोड रनिंग होगी क्योंकि किसी भी पैरामिलिटरी फोर्स के पास में ग्राउंड है ही नहीं चार मीटर का ट्रैक बहुत कम रेयर केस में हो सकता है कि दो से चार ऐसे कोई सेंटर मिल जाए जहां पर चार सौ मीटर का ट्रैक मिल जाए ठीक है बाकी 90 परसेंट जितने भी पैरामिलिटरी फोर्स है इनमें ट्रेनिंग सेंटरों में भी 90 परसेंट रोड पे ही रनिंग होती है जैसे मैंने सीआरपीएफ की ट्रेनिंग

जीएच कमांडो ट्रेनिंग में पीटीआई ट्रेनिंग में या जो तो बेसिक ट्रेनिंग है आपकी वो रोड पे रनिंग होती है चाहे आर्मी हो चाहे कोई सा भी हो तो तब पैर कहां चले जाते हैं थोड़ी बहुत तकलीफ होगी ही होगी आपको कष्ट होगा ही होगा इसमें कोई संदेह नहीं है वो तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी ठीक है आदत डालिए शरीर को दर्द सहन करने की हुसैन बोल्ट इतना तेज दौड़ता है ना तो उसको भी तकलीफ होती है समझाइए बात बस फर्क इतना है कि वो उसको सहन करने लग जाता है वही चीज आपको सीखनी तकलीफ तो होगी सहन करने की आदत डालिए तो जब आपकी रनिंग ग्राउंड में तो नहीं होगी ध्यान रखना इस बात का तो आपको ग्राउंड रनिंग की जरूरत नहीं है आप रोड रनिंग ही करिए अब किस समय हो सकती है देखो एडमिट कार्ड आपका आएगा पिछली बार कई जगह सहूलियत दी हुई थी टाइम अच्छा दिया हुआ था कि सुबह छह बजे तक रनिंग करवा दे रहे थे सिक्स ए एम वैसे तो मैं एक बार धूप में रनिंग का भी बोल रहा हूँ कि आप एक बार धूप में भी रनिंग करके देख लीजिए क्या पता टाइम आगे पीछे किया हुआ हो लेकिन अगर सुबह सुबह रनिंग होगी तो सबसे अच्छा है क्योंकि इवनिंग रनिंग तो ज्यादा मुश्किल हो जाती है मॉर्निंग में ही रनिंग हो अब रनिंग के दौरान आपको क्या करना लाड लो एक संतरा आप हमेशा लेके जाना संतरे से क्या होता है कि जो जीप में लार बन के कई बच्चों को होता है रनिंग करते समय कफ बार आता है वो नहीं आएगा एक पेट खाली नहीं रहेगा पूरा पेट खाली रहेगा पांच किलोमीटर की रनिंग लंबी रनिंग होती है आपकी साइड की कोल दर्द करने लग जाएगी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर दौड़ते वक्त होल में दर्द हो रहा है क्यों हो रहा है वो क्यों क्योंकि आपने कुछ भी नहीं खाया पेट पूरा खाली है पूरा खाली भी नहीं होना चाहिए हल्का भुल्का आपको खाना है तो आप संतरा खा सकते हो इसके अलावा अगर आपको हल्के में कुछ भी खाना है तो आप फ्रूट कोई भी खा सकते हो या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो ठीक है संतरा खाने का फायदा ऐसा होता है कि आपकी जीप पे जो लार वार बनती है ना वो नहीं या नींबू का भी आप पानी पी सकते हैं फिर रनिंग कर सकते हैं ठीक है बाकी आप संतरा खाओगे सबसे बेस्ट है आप संतरा लेके जाना रनिंग के समय खाया एक संतरा और फिर रनिंग करना देखना आपके कोई भी कफ वफ कुछ भी नहीं निकलेगा एक डिहाइड्रेशन का जिन बच्चों को डर है कि नहीं मेरे डिहाइड्रेशन हो सकता है या रनिंग करते समय मुझे उल्टी हो सकती है तो वो एक इलेक्ट्रो करके एक ओ होता है इलेक्ट्रो करके एक ओ होता है तो उस ओ को पी सकते हैं आप अठारह रुपए के आसपास के पैकेट आता है इसको आप रनिंग से पहले पी सकते हैं मतलब एक डेढ़ घंटे पहले तो इसका भी आपको फायदा हो सकता है कि आपको मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो अगर मान लो धूप ऊप ज्यादा है तो ये जोधपुर जोधपुर में यहाँ सुबह सात बजे के आसपास भी धूप तगड़ी हो जाती है तो उस हिसाब से आपको इस बात का ध्यान रखना आप ये भी पी सकते हैं तो रनिंग तो आपकी कहां पर होगी लाडलो रनिंग आपकी होगी रोड पे ठीक है ढाई किलोमीटर की हो सकती है पांच किलोमीटर रनिंग होती है अगर ढाई किलोमीटर की होती है तो बेस्ट होती है क्योंकि उसमें आपको पता चल जाता है कि हाँ मैं ढाई किलोमीटर पर पहुंच गया हूँ और अब मुझे ढाई किलोमीटर वापस जिधर से आया उधर से आया तो इससे मानसिकता अच्छी रहती है ठीक है ज्यादा एक जगह चक्कर लगाने से बच्चा परेशान हो जाता है लॉन्ग रनिंग में भी थोड़ा सा इसे पता नहीं कब आएगा कब आएगा ऐसे करता रहता है तो ढाई किलोमीटर की जहाँ होती है टोकन वाला जो सिस्टम होता है वो सबसे बेस्ट रहता है रनिंग करते समय साइड कोल में दर्द होना स्वाभाविक है तो इस बात के लिए आप ध्यान रखिए कि जिस साइड में मान लीजिए इधर उधर तो इस हाथ के अंगूठे को ऐसे बंद कर ले और फिर इस हाथ के लॉन्ग रनिंग है आप मुंह से सांस लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है केवल नाक से लेने की कोशिश ना करें लॉन्ग रनिंग में आप मुंह और नाक दोनों से सांस ले सकते हैं और अपने अलगोरिदम से दौड़े ठीक है रनिंग टेस्ट इस प्रकार से होगा मैं आपको बता देता हूं जब आपका शुरू होगा तो जैसे ही आपको गो बोलेंगे उसी समय टाइमिंग शुरू हो जाएगा एक बाइक आपके सामने चलेगी जिसमें वीडियोग्राफी आपकी बनती रहेगी पूरा का पूरा रनिंग टेस्ट वीडियोग्राफी के दौरान ही रहेगा ताकि कोई भी किसी प्रकार की चीटिंग ना कर सके आपको डाई किलोमीटर जाएंगे तो डाई किलोमीटर जाके तो टोकन देंगे अगर पहले तो पहले ही टोकन दे देंगे लड़कियों की जो रनिंग होगी वो सोलह सो मीटर की ग्राउंड में नहीं होगी वो भी लॉन्ग रोड पे ही होगी ध्यान रखना मैंने जैसे बताया कि पैरामीट्री के जो कैंप है उनमें सोलह मीटर के ट्रैक भी नहीं मिलेंगे आपको नाइनटी तो रोड रनिंग ही होगी बेटा आपकी और आपका जो समय है साढ़े मिनट का उस समय में आपको फाइट करना है ठीक है ये जो ट्रैक है बिल्कुल क्लीन रहेगा लड़कियों के लिए क्योंकि सोलह सौ मीटर का ट्रैक फोर्थ चेक करके देखती है कि भाई यहाँ यहाँ ठीक है यहाँ पर दौड़ा देते हैं और सीधा एक ही टारगेट रहेगा इधर से उधर जाने का ठीक है वहीं पे क्लोज रहेगा इस बात का भी पूरा ध्यान रखना ठीक है जय हिंद जय भारत लाड एक चीज और रह गई वो भी बता दू लड़कियां हो चाहे लड़का एक बार आप धूप में रनिंग करके जरूर चेक कर लीजिए और एक वो जो मैंने इलेक्ट्रो बताया है या कोई भी ओ उसको भी रनिंग से दो तीन दिन पहले से पीने लग जाइए दो से तीन दिन पहले से ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन करे ही ना उस समय अगर आपको उल्टी उल्टी होती है तो हो ना एक मैंने संतरा बताया रनिंग करने से पहले संतरा खा के ही दौड़े तो सबसे ज्यादा फायदामंद आपके लिए वो रहेगा ठीक है लॉन्ग रनिंग है आसान नहीं होती है इस बात को अपने दिमाग में लेके चले लाट लो फिर देखना बहुत ही शानदार आपकी रनिंग होगी अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा जय हिंद जय भारत